नमस्कार दर्शकों, मैं सोमेन आज आपसे बात करूंगा कि आप बच्चे को कब अलग कर सकते हैं, फिंचेस के बच्चे को या आप जिसके बच्चे को कब अलग कर सकते हैं उसके ऊपर आज बात करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप बच्चे को कब अलग कर सकते हैं, वो बेस्ट डेज कौन सा है जब वो खाना खाना सीख जाए, और आप देख रहे हैं कि वो खाना खाना सीख रहा है और खा रहा है और खा के वो छिलके को भी अलग कर रहा है, वो चीज़ आपको देखना होगा। और पेरेंट्स से भी ये नहीं खाना खा रहा है, और ठीक है, और ये थोड़ा सा उड़ सकता है, ठीक है, उड़ रहा है थोड़ा सा, ये चीज़ों आपको देख कर 10 से 12 दिन देख के आपको उसे अलग करना होगा, और आप सेल भी कर पाएंगे, ठीक है। सेल करने जाएंगे तो जाल वाला आपको बोलेगा नहीं कि ये बच्चा है और इसे प्राइस कम देंगे, ऐसा कुछ वो नहीं बोलेगा। तो वही है कि आपको दिखाना है, देखिए ये दो बच्चे बाहर आ चुके हैं और ये दाना खा रहे हैं, ठीक है, एक वाइल्ड वेजिस में है और एक फाइड में है। देखिए ये लोग दाना खा रहे हैं और दाने को छिलके को फेंक भी रहे हैं, ठीक है, कंगनी का। तो सोचा कि आपको अच्छे से दिखा दूँ, जब ये खाना दाना खा रहे हैं और फेंक रहे हैं, सब कुछ दिखा दूँ आपको। देखिए ठीक है, तो इसको अलग करते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं, पकड़ते हैं। वो देखिए लोग सॉफ्ट फूड भी खा रहे हैं, तो इसे पकड़ लेते हैं, पीछे से ही पकड़िएगा। जैसे कि मेरा जो केज है वो थोड़ा सा पकड़ने का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं आपको इसलिए प्रोग्रेस भी नहीं दिखा पाता बज्जिस का। बहुत ही चालाक बच्चा है ये, इसे पीछे से एकदम फटाक से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने ये जो दरवाज़ा है मैंने खोल दिया, ठीक है, और ये पीछे घुमा था, अब ये दूसरी तरफ घूम चुका है, ठीक है, ओके। तो आप लोग देख सकते हो मैंने जो है इनको पकड़ लिया है। ये देखिए जो छोटा बच्चा खा रहा था इसको मैंने पकड़ लिया है, ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत सा बच्चा है। एक और बच्चा था वाइल्ड जिस जो था वो उड़ गया उस तरफ, तो फिलहाल तो इसको ही पकड़ें और इसको अलग करते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। फिलहाल तो ये दरवाजे को बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये जो है कि दूसरा बच्चा है, इसको भी मैंने पकड़ लिया है, ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत सा बच्चा है, ठीक है। तो इसके भी करते हैं अलग, ठीक है। तेल तो इसका अभी तक पूरा नहीं आया, थोड़ा बाकी था, बट इसको खाना खाना सीख चुका है तो मैंने सोचा कि इसको अलग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी बच्चे थे मैंने सबको यहाँ पे पकड़ लिया है। पांच बच्चे थे जो उस केज से बाहर आए थे, जो बच्चे अभी बहुत बच्चे अंदर हैं जो बाहर आने वाले हैं और दूसरे भी केज में हैं। टोटल 25 बच्चे हैं फर्स्ट क्लास में, मेरा बच्चे निकले 25 पीसेस बच्चे हैं टोटल। तो सबको एक एक करके अलग करेंगे, और एक केज था मेरे पास वो लबट का, तो अभी लबट तो अभी यहाँ पर नहीं है, तो इस केज में तो अभी सोचा है कि इस पर सभी जिसके बच्चे को रखेंगे ठूस ठूस के, और सब भर जाने के बाद सेल करेंगे, या फिर ये पांचों के अभी सेल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर सेल करूँगा तो आपको जहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ वहाँ पे जाके दिखाऊँगा कि मैं सेल कर रहा हूँ और कितने प्राइस में वो लोग खरीद रहे हैं, पाँच बच्चे टोटल, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख के अलग कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए बच्चे थोड़े उड़ना भी सीख गए, एक पर्च से दूसरी पर्च कैसे उड़ के जा रहे हैं, कंप्लीट है, ये बच्चे मरेंगे नहीं, ठीक है, ये गारंटी है। तो यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए पेट्स एम्पायर। और अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पेट्स एम्पायर चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाली जो आइकन है उसके ऊपर भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। बेल वाली आइकन के ऊपर प्रेस करने का मतलब ये कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।